हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पल्लवी पी। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं लगभग, और हम पहुंचने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बने रहिए हमारे संग इस वीडियो में जानने के लिए कि कैसे मिलेगा बोर्डिंग पास एंड क्या होगा चेक इन प्रोसेस में। तो ये है राजा भोज हवाई अड्डा, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल। ये यहाँ डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट आने वाली है और कौन सी फ्लाइट जाने वाली है, कितने समय पर, कहाँ से, किस। वहाँ पे डोर भी डिफाइन रहता है, जैसे यहाँ पे अलग अलग डोर हैं, कुछ डोर फर्स्ट फ्लोर पर ही है और कुछ डोर सेकेंड फ्लोर पर हैं। तो ये सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फ्लाइट जाने वाली है, और वो अंदर आपको डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारे ट्रॉली बैग रहते हैं हैवी वाले, जैसे हम लोगों ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स बुक की थी तो उसमें 20 केजी तक ले जा सकते थे पर टिकट। तो हमारा लगभग ये से ही अराउंड 40-45 हो रहा था। तो फिर सबसे पहले ये इसी तरीके की चेकिंग होते हैं बाहर सारे सामान। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्लाइट्स टिकट करने के बाद हमें वेब चेक इन करना होता है। वेब चेक इन क्या है ये? फॉर सीट सिलेक्शन एंड बोर्डिंग पास। अपनी फेवरेट सीट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप वेव चेक इन में। तो वेव चेक इन करने का समय होता है 48 घंटे से लेके 60 मिनट तक फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट डिपार्चर एंड 24 आवर से लेके 75 मिनट बिफोर इंटरनेशनल फ्लाइट डिपार्चर। इसी दौरान आपको, इसी ड्यूरेशन में आपको वेब चेक इन करना होगा। पर हमारे संग तो कुछ अलग ही हो गया था। हमारा वेब चेक इन पहले से ही होने के बावजूद भी हमें दो सीट, हम तीन लोग गए थे, हम, हमारे हस्बैंड, हमारा बेटा, तो हमें दो सीट तो साथ साथ में दे दी थी और एक सीट पीछे दी थी। लेकिन जब हमारा चेक इन हुआ, जब बोर्डिंग पास बना, तो हमने वहां पर बता के अपनी सीट भी सिक्वेंस में ही करा ली थी। तीनों ही सीटें हमें पास में ही मिल गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट काउंटर जहाँ पर पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, बैगेज रजिस्ट्रेशन, सीटिंग असाइनमेंट, ये तीनों काम यहाँ पर ही होते हैं। जहाँ पर पर्टिकुलर बैगेज में स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपकी दो या तीन फ्लाइट बीच में होती हैं तो आपको आपका ये ट्रॉली आपको सबसे लास्ट वाले फ्लाइट में वहाँ पर ही मिलता है आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। और आप यहीं पर ही अपने सीट भी असाइन करा सकते हैं। आपको जो भी जैसी भी सीट चाहिए, अगर आपकी आगे पीछे हो गई तो आप यहाँ पर ही उसे चेंज करा सकते हैं। और सेकंड काउंटर चेकिंग होती है जो केबिन बैग रहते हैं उसकी होती है, पर वहाँ पर हमें वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो हमने नहीं बना पाई है। वहाँ पर सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास होते हैं, हेडफोन, वॉच, वॉलेट, बेल्ट, वट एवर यू हैव, इवन जैकेट तक भी हमें लास्ट में उतारनी पड़ी थी, तो वो सारी चेकिंग वहाँ पर होती है। सारी चेकिंग के बाद फिर हमें डोर असाइन हो जाता है कि किस डोर से आपकी फ्लाइट आएगी। फिर हम वहाँ पर वेट के थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो वेटिंग का भी, जहाँ पर हम वेट कर रहे थे वहाँ भी इतना बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है ये, और इतनी सफाई है वहाँ पे, बहुत ही प्यारा बना हुआ है कि आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा बिल्कुल भी। शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यही है वो फ्लाइट जिससे अभी हम जाने वाले हैं, पर ये अभी कहीं से आई हुई है तो ये अभी ऑफलोड हो रही है, उसके बाद हमें अलाउ मिलेगा जाने के लिए। तो ये जो एक टनल सी बनी हुई है आप देख रहे होंगे, इसमें से सब जो पैसेंजर है वो निकल रहे हैं, जो भी उसमें थे उनका सामान नीचे निकल रहा है और पैसेंजर यहाँ से निकल रहे हैं। जब ये पूरी ऑफलोडेड हो जाएगी उसके बाद हमारा नंबर आएगा। एक ये टनल सी बनी हुई थी जो हमारे फ्लाइट तक कनेक्ट होती है। इसमें एंट्री करने से पहले हमारा बोर्डिंग पास स्कैन होता है, देन हमें अलाउंस मिलता है अंदर जाने के लिए। अगर वो स्कैन नहीं होगा तो हमें अलाउड नहीं मिलेगा जाने के लिए। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ये फ्लाइट हमारी भोपाल से दिल्ली तक के लिए है, एंड दिल्ली से फिर बागडोगरा के लिए दूसरी फ्लाइट है। तो
आप हमारे संग ऐसे ही बने रहिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और ये वाले जो ब्लॉग्स होने जा रहे हैं दार्जिलिंग और गैंगटॉक के रहेंगे। हमारा ये जो टूर है दार्जिलिंग और गैंगटॉक को लेकर है, तो और भी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। आप हमारे संग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने फ्लाइट्स में फूड भी ऐड कराया हुआ था, तो मॉर्निंग का समय था तो ये कुछ लाइट ब्रेकफास्ट टाइप का आया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।